वैसे तो पराली जलाना मना है, लेकिन फिर भी किसान धड़ल्ले से पराली जलाते हैं और इसी वजह से गरियाबंद में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल फिंगेश्वर पेट्रोल टंकी के पास खेतों में पराली जलाने से भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से चरवाहे और मवेशी की जान भी बाल बाल बची, वहीं पेट्रोल टंकी के पास भी आग पहुंच गई थी, लेकिन तब तक इसे काबू में कर लिया गया। आग से सैकड़ों एकड़ में लगी जो पराली थी वो जलकर खाक। देखिए सैकड़ों एकड़ पराली में लगी आग पर किस तरह काबू पाया जा रहा है और न्यूज 18 में खबर दिखाए जाने के बाद एक बड़ा असर की नगर पंचायत के कर्मचारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और टैंकर से पानी लाकर इस आग को बुझाया जा रहा है, क्योंकि यहां से कुछ ही मीटर दूरी पर पेट्रोल टंकी आपको दिखाना चाहेंगे और ट्रांसफार्मर, अगर आग वहां तक पहुंचती है तो एक बड़ा घटना हो सकता है। नगर पंचायत फिंगेश्वर के पेट्रोल टंकी के पास ये भीषण आग लगी हुई है और पराली में लगातार आग फैलते जा रहा है और ये देखिए किस तरह उसे बुझाने का जो है एक बड़ी कोशिश नगर पंचायत के कर्मचारी यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम जो आग फैला हुआ है देखिए कि काफी दूर तक जो है जो धान काट कर पैरा को रखा गया, अगर वहां तक आग फैलती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि आग की चपेट में कई मवेशी और चरवाहे आ गए, लेकिन उनकी बार बार जान बची है और ये खबर हम जब कवरेज किया सूचना दिए तब प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है और अगर आग फैलती है तो राहगीरों को भी परेशानी होगी और ये आग अगर फैलता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। न्यूज 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। चलिए बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां पर मरीन ड्राइव पर एक युवती की लाश मिलने से